विवेक अग्निहोत्री की फिल्म कश्मीर फाइल्स ने ये बता दिया है, ये जता दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ आखिर क्या हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि कश्मीर फाइल्स का और सुशांत सिंह राजपूत का क्या लेना देना। जी बिल्कुल, लेना देना है और बहुत हद तक लेना देना है। हमारे देश के बहुत सारे मीडिया पब्लिशिंग हाउस है, प्रिंट मीडिया हो गए, टेलीविजन मीडिया हो गए, इनका ये कहना है कि कश्मीर फाइल जो है वो इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता के बीच मतभेद पैदा कर रही है, एक जो धार्मिक सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है। विवेक अग्निहोत्री ने खुद ही बताया था कि जब वो एक चैनल के पास गए अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, हम इस तरह की फिल्मों को प्रमोट नहीं करते। जबकि वो चैनल दिन भर सिर्फ भारत के खिलाफ और सरकारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा ही फैलाता है, गलत खबरें दिखाता है, मिसलीडिंग खबरें दिखाता है और बेशर्मी से माफी भी नहीं मांगता है। उस चैनल का नाम हर कोई जानता है। कपिल शर्मा का आपने देख लिया कि कपिल शर्मा ने अपने शो में इस पूरी टीम को नहीं बुलाने का काम किया, जिसके बाद उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई, वो जनता के निशाने पर आ गए। ये शो सलमान खान का है और सलमान खान के ऊपर भी कौन सा प्रेशर रहा होगा ये हम सब अच्छी तरह से जानते हैं, जिसके चलते सलमान खान और कपिल शर्मा जैसे लोगों ने इस फिल्म का प्रमोशन नहीं किया। वरना जिस कपिल शर्मा शो में घटिया से घटिया फिल्म प्रमोट की जाती है, सनी लियोन को प्रमोट किया जाता है, उन वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को प्रमोट किया जाता है जिनका भाई हिंदी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इन्हें चाहिए सिर्फ एंटरटेनमेंट। बहुत सारे अदर लैंग्वेजेस की फिल्में भी वहां पर प्रमोट की जाती है, बुक्स प्रमोट किए जाते हैं कपिल शर्मा शो में, बहुत कुछ होता है, लेकिन एक फिल्म जो कश्मीरी पंडितों के अत्याचार पर बनी है उसे इस शो में प्रमोट नहीं किया गया। और तो और इस फिल्म को लेकर इस देश के बहुत सारे मीडिया हाउस और बहुत सारे इंडिपेंडेंट पत्रकार बैन करने की मांग कर रहे हैं कि कश्मीर फाइल जैसी फिल्म को बैन करना चाहिए। ये एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, इसमें गलत तथ्यों को पेश किया गया है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे कश्मीरी पंडितों का जो सच है वो अब सामने आ रहे हैं, फिल्मी दुनिया को छोड़ दीजिए, वो ऐसे भी सामने आकर अपनी बातें बता रहे हैं अलग अलग। इस फिल्म को बदनाम करने की हर संभव कोशिश की गई, इंटरनेशनल लेवल पर की गई, लेकिन जितनी बदनामी की कोशिश की गई उतनी ही ये फिल्म ज्यादा प्रमोट होते चली गई। इस फिल्म को पूरी दुनिया में पसंद किया। सोचिए कि एक हिंदू देश में विवेक अग्निहोत्री को जान से मारने की धमकी दी जाती है कि ये फिल्म क्यों बनाई, इस तरह की फिल्म बनाने का मतलब क्या है। सोचिए कि अगर किसी मुस्लिम कंट्री में वो रहे होते तो कब का उन्हें मार दिया गया होता। हालांकि उन्हें मोदी सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी है, जो उनके लिए ठीक है। विवेक अग्निहोत्री को हर प्लेटफॉर्म पर नेगेटिविटी दिखाई गई, इन्हें मीटू के आरोप में भी फंसाने की कोशिश की गई थी शुरुआती दौर में, ताकि इनका करियर जो है वो आगे ना बढ़ सके, क्योंकि इन्हें ताशकंद फाइल्स बनाई, कश्मीर फाइल्स बनाई और भी बहुत सारी फिल्में बना रहे हैं। अब दिल्ली फाइल्स भी लेकर आ रहे हैं, कल को गोधरा फाइल्स भी लेकर आएंगे, क्योंकि अब ये सच दिखाने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। तो विवेक अग्निहोत्री को भी नेगेटिविटी के तौर पर बदनाम करने की कोशिश की गई, एक लामबंदी की गई कि इन्हें हर प्लेटफॉर्म पर रोका जाए, इनकी फिल्मों को रोका जाए, सच सामने ना आने दिया जाए। अब आप सोचिए, ठीक यही चीज सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी की गई थी। विवेक अग्निहोत्री ने अपने दर्द को इस देश की जनता के साथ साझा किया, तो विवेक अग्निहोत्री को इस देश की जनता ने साथ दिया, उनके साथ खड़ी हो गई हर मौके पर, सोशल मीडिया से लेकर खुले मंच पर। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत का दर्द तो कोई जानता ही नहीं था कि सुशांत किस दर्द से गुजर रहे थे। सुशांत अपना दर्द कहते भी तो शायद उनके दर्द को कोई समझ ही नहीं पाता, क्योंकि उस वक्त तो हम में से भी बहुत सारे लोग इन्हीं बॉलीवुड माफियाओं के फैन हुआ करते थे, क्योंकि हम जो देखते थे वही सुनते थे वही सीखते थे। हमारे लिए तो ये भाई बड़े सुपर डुपर स्टार थे, लेकिन इनकी सच्चाई दिन प्रतिदिन हमारे सामने सामने चली जाती गई। सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ बहुत सारी नेगेटिविटी फैलाई गई कि सेट पर लेट आता है, शूटिंग में मनमानी करता है, स्क्रिप्ट बदलवाता है, पड़ोसियों से मारपीट करता है, लड़कीबाज है, मीटू के आरोप में फंसाने की कोशिश की गई, हर संभव कोशिश की गई, और जब सारी कोशिशें फेल हो गई तो फिर क्या हुआ वो हम सभी जानते हैं। सुशांत की मौत किस तरह से हुई, किन लोगों ने की, ये सच कभी सामने आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जब कश्मीरी पंडितों का दर्द हम सभी के सामने आ सकता है, जिसे बहुत बड़े लेवल पर दबाया गया, तो सुशांत सिंह राजपूत का भी सच आज नहीं तो कल सामने आएगा। कैसे आएगा वो नहीं पता, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि वो पाप का जो घड़ा होता है ना, उसमें कहीं ना कहीं छेद हो ही जाता है। तो जितने पापी टाइप के लोग होंगे
जब उसमें से कोई एक पापी का मन बदलेगा या किसी मामले में आगे पीछे होगा तो घड़े में होल कर देगा, एक छेद मारेगा, जैसा कि वो थाली वाली आंटी कहती है कि थाली में छेद कर दिया, वैसे कोई छेद करेगा और सच हम सभी के सामने चलाएगा। बॉलीवुड माफियाओं ने विवेक अग्निहोत्री के साथ वही करने की कोशिश की जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ किया था, लेकिन फेल हो गए। तो चलिए, उम्मीद है कि सुशांत को भी इंसाफ मिलेगा, जैसा कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिला एक फिल्म बनाकर। इंसाफ तो हम नहीं कह सकते कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिला, क्योंकि जिनकी मौत हो गई उनकी तो मौत हो गई, इंसाफ मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। तो सुशांत के साथ भी जो सच है वो सामने आकर रहेगा।